वकीलों के साथ मिलकर मोदी सीजीआई चंद्रचूड़ पर बना रहे थे दबाव। अब देश भर के वकील आए चीफ जस्टिस के समर्थन में, मोदी सरकार की उड़ी नींद। चुनावी बॉन्ड के भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद बौखलाई सरकार अपने चहेते वकीलों से सीजीआई को पत्र लिखवा न्यायपालिका को विपक्ष के दबाव में होने का मर दिया था आरोप। प्रधानमंत्री खुद वकीलों द्वारा लिखे गए पत्र को ट्विटर पर साझा कर विपक्ष पर बोल रहे थे हमले। न्यायपालिका सरकार के खिलाफ न जाए, इसको लेकर सरकार अपना रही तमाम हथकंडे। ऐसे वक्त में अब सुप्रीम कोर्ट के जज और लॉयर्स एसोसिएशन खुलकर मोदी सरकार के खिलाफ उतर आई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विवेक रत्ना और लॉयर्स एसोसिएशन ने जमकर मोदी सरकार को लगाई है लताड़। अब लॉयर्स संगठन ने कुछ ऐसा किया, मोदी सरकार की उड़ गई नींद। कैसे? मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मामला क्या है? बीते सप्ताह देश भर के 600 से अधिक वकीलों ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर न्यायपालिका को विपक्ष के दबाव में होने की बात कही थी। यह पत्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना में किए जा रहे भ्रष्टाचार के उजागर होने के बाद वकीलों ने लिखा था। प्रधानमंत्री ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से पत्र को साझा कर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर हमला बोला था, जिसके बाद से ही देश की सियासत गरमा गई। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया। अब लॉयर्स एसोसिएशन भी सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के वकीलों द्वारा सीजीआई को लिखे गए पत्र में लोगों को गुमराह करने की कोशिश बताई है। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने क्या कहा? ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन का कहना है, यह पत्र न्यायपालिका की आजादी की रक्षा के लगातार लड़ रहे जिम्मेदार वकीलों और वकील मंचों के खिलाफ बेबुनियाद बात है। द हिंदू खबर के मुताबिक लॉयर्स यूनियन का कहना है, यह पत्र चुनावी बॉन्ड योजना पर शीर्ष अदालत के फैसले द्वारा भ्रष्टाचार के उजागर होने का सीधा नतीजा है। सरकार के भ्रष्टाचार के खुलासे से परेशान हुए वकीलों ने लिखा पत्र। AILU के मुताबिक चुनावी बॉन्ड और प्रेस सूचना ब्यूरो की अलोकतांत्रिक फैक्ट चेक यूनिट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने वकीलों के इस समूह को परेशान कर दिया है। पत्र में लगाए गए आरोप निराधार हैं, अफवाहें देश भर के वकीलों और कानून बिरादरी की आम राय नहीं है। वकीलों का यह समूह भारत में अधिवक्ताओं और कानूनी बिरादरी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। AILU ने कहा है, न्यायपालिका की सुरक्षा के नाम पर इस समूह की कोशिश न्यायपालिका के खिलाफ केवल एक छलावा और परोक्ष धमकी है, क्योंकि यह न्यायपालिका की आजादी और जवाबदेही के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करता है। यह खुद को न्यायपालिका के रक्षक के रूप में पेश करने वाली झूठी कहानी के साथ लोगों को गुमराह करने का भी एक प्रयास है। अतीत में चुप रहने वाले लोग आज सरकार के फायदा के लिए बोल रहे। AILU ने कहा, पत्र लिखने वाले वकीलों का यह समूह जब केंद्र की वर्तमान सरकार न्यायपालिका की आजादी सहित संविधान की बुनियादी संरचना के खिलाफ हमले कर रही थी, तब यह चुप रहा। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने संसद की सर्वोच्चता के नाम पर न्यायिक समीक्षा और बुनियादी ढांचे पर हमला किया और न्यायाधीशों में चयन में कार्यपालिका की भूमिका निर्धारित करने की मांग की। AILU ने दावा किया, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के तबादले के मामले में मौजूदा सरकार द्वारा सीधा हस्तक्षेप किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार को लगाई थी अताड़। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने सरकार को साफ साफ कह दिया था, अगर कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहती है तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती है, भारत में कानून का शासन सर्वोपरि है। जस्टिस बीआर गवई के बाद जस्टिस नागरत्ना ने मोदी सरकार की क्लास लगाई। जस्टिस नागरत्ना ने मोदी सरकार के नोटबंदी की नीति पर सवाल खड़े किए, साथ ही जस्टिस नागरत्ना ने गवर्नर और राज्य सरकारों के झगड़े को लेकर भी चिंता जाहिर की थी।